सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब आपने सुना होगा कि आइडेंटिटी कार्ड क्या होता है, आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड का मतलब क्या हुआ कि एक कार्ड है जो हमारी आइडेंटिटी शो करता है। अगर मैं इस वर्ड को सेपरेट करूं तो इसका मतलब होता है एक सिंगल कह दो या फिर यूनिक कह दो, या फिर इसको यूनिक कह दो। मतलब कि अब आप जानते हो, यहां पर आपने UIDAI का नाम सुना होगा, UIDAI, जो आपके पास आधार कार्ड होता है, वो आधार कार्ड क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। मतलब कि हर व्यक्ति के पास, सिंगल पर्सन के पास उसका खुद का एक यूनिक नंबर है। इसी प्रकार से सिमिलरली मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं, सभी के पास एक यूनिकनेस है, एक सिंगलनेस है। मतलब कि उनकी एक खुद की एक पहचान है, खुद की एक आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहां पर वन की बात करूं तो वन अपने आप में एक सेल्फ, एक यूनिक है। वन इसके जैसा और कोई नहीं, वन का मतलब वन होता है। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट्स का मतलब यह है कि अगर किसी नंबर के साथ उस आइडेंटिटी एलिमेंट्स को जोड़ा जाए तो उस नंबर की आइडेंटिटी खत्म ना हो, फिनिश ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर बात करूं 5 की, 5 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो क्या हो गया, 11 हो गया। तो देखिए, पहले तो ये 5 था, तो 6 जोड़ने से ये 11 में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। मतलब कि 5 ने जो अपनी आइडेंटिटी थी वो छोड़ दी, लीव इट, इसने छोड़ दी ना, 5 से ये 11 हो गया। तो इसकी जो आइडेंटिटी थी वो चेंज हो गई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि उसको जोड़ने या मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर एडिशन, जोड़ के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं। देखिए, एडिशन मतलब कि अगर किसी नंबर में उस आइडेंटिटी एलिमेंट्स को जोड़ा जाए तो किसी प्रकार का उस नंबर के साथ चेंज ना हो, तो वो कौन सा है, 0। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0। अब देखिए, अगर हम 5 के साथ 0 को जोड़ें तो भी हमें 5 मिलता है, 6 के साथ 0 को जोड़ें तो भी हमें 6 मिलता है, अगर हम 1000 के साथ 0 को जोड़ें तो भी हमें 1000 मिलता है। मतलब कि 5 की जो आइडेंटिटी है उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 6 की जो आइडेंटिटी है उसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं हुए, 1000 की जो आइडेंटिटी है उसके साथ भी किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ। दैट्स व्हाई 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। सिमिलरली आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1। बिकॉज अगर हम 0 लें तो 5 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है, मतलब कि इसकी आइडेंटिटी चेंज हो गई। दैट्स व्हाई मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 1 लेते हैं, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 मिलता है, 6 के साथ किया तो 6 मिलता है, 1000 के साथ किया तो हमें 1000 ही मिलता है। मतलब कि किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कीजिए हमें वही नंबर मिलता है। दैट्स व्हाई द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज 1। आपको याद हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हर नंबर के पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। सो आइडेंटिटी एलिमेंट्स वही होते हैं जो उसकी आइडेंटिटी के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स दोनों को याद कर लिया होगा, फॉर एडिशन एंड फॉर मल्टीप्लीकेशन। आइए आगे हम बात करते हैं, आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्या बचा है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गए हमारे, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट्स के बाद हमारे पास एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ 0,
क्या बचा है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। जीरो की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अब देखिए जीरो की खुद की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, भले ये जीरो है, बहुत छोटा है, सबसे छोटा है, मतलब कि इसका तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इसकी प्रॉपर्टीज है, ये बहुत कुछ कर सकता है। देखिएगा क्या है जीरो की सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट आप जीरो को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो तो यह उस नंबर के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। यह तो मैं भी आपको बता चुका हूं कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर में जीरो को ऐड करते हो, जीरो को ऐड करते हो तो वो उस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, यह इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी जीरो की क्या है, अगर आप किसी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आप किसी भी नंबर में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी हमें नो इफेक्ट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 6 माइनस जीरो 6 मिलता है, तो किसी भी नंबर से आप जीरो को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, 6 का हमें फिर से 6 मिल गया। तो ये जीरो की दूसरी प्रॉपर्टी है। जीरो की थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है कि जीरो में से किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, जीरो को छोड़कर, जीरो को खुद को छोड़कर जीरो में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम जीरो में से जीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जीरो मिलता है, लेकिन जीरो को छोड़कर किसी भी पॉजिटिव नंबर को आप जीरो में से सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिलता है। जीरो को छोड़कर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर को जीरो में से सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको हमेशा नेगेटिव नंबर मिलता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 0-5 इज इक्वल टू माइनस का 5, 0-1000 इज इक्वल टू माइनस का 1000। तो देखिए आपने क्या किया, जीरो में से पॉजिटिव के 5 को सब्ट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई आपको माइनस का 5 मिल गया। तो ये जीरो की थर्ड प्रॉपर्टी है जो ये कहती है व्हेन यू सब्ट्रैक्ट एनी पॉजिटिव नंबर फ्रॉम जीरो यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर। ओके, फोर्थ बात करते हैं, फोर्थ क्या है हमारे पास कि जब आप जीरो में से किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप जीरो में से किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, मतलब कि वाइस वर्सा हो गया ना, पहले तो आपको पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा था, अब यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव मिलेगा। तो जीरो में से किसी भी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मिल जाएगा। तो यहां पर क्या किया, 0-5 इज इक्वल टू 5, 0 में से माइनस के 7 को माइनस किया तो पॉजिटिव का 7 मिल जाता है। तो यही एक जीरो की फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो चार प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, फोर प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। फर्स्ट प्रॉपर्टी यह है कि जीरो जो होता है उसको किसी के साथ भी जोड़ने पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जीरो को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, अगर जीरो में से किसी पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें नेगेटिव नंबर मिलता है, जीरो में से किसी नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके आगे थोड़ी सी और बात हम यहां पर लेते हैं, जीरो की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, जीरो की फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम किसी नंबर के साथ जीरो का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें टोटल जो आउटकम मिलेगा वो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम किसी नंबर एक्स के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा जीरो मिलता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल 1000 मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो की फिफ्थ प्रॉपर्टी है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद जीरो वी ऑलवेज विल गेट जीरो एज रिजल्टेंट। ओके, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी पता हो गई। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी जीरो की ये कहती है कि व्हेन वी डिवाइड जीरो बाय एनी नंबर, जब हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं देन वी ऑलवेज गेट जीरो। फॉर एग्जाम्पल 0/x इज इक्वल टू 0, 0/6 इज इक्वल टू 0, 0/5 इज इक्वल टू 0, 0/1000 इज इक्वल टू 0। सो जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कीजिए, आपको हमेशा जीरो ही मिलेगा। दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो।
एंड फाइनल प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या कहती है? सेवंथ प्रॉपर्टी ऑफ जीरो कहती है कि जब भी हम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड करते हैं, उल्टा कर दिया ना हमने, किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय जीरो देन द रिजल्टेंट विल बी नॉट डिफाइंड। क्या होगा? नॉट डिफाइंड नंबर हमें मिलेगा, मतलब कि इंफिनिटी। क्या आप इस वीडियो को पूरा देखना चाहते हैं? तो अभी इंस्टॉल करें नवोदय विद्यालय के ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल हर एग्जाम का एक कोर्स देखने को मिलेगा। अभी अपना कोर्स रजिस्टर करें और देखें ढेर सारी वीडियोस, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो अभी इंस्टॉल करें और देखें इस वीडियो को और भी बहुत सारे वीडियोस को सबसे पहले। गिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, गिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।